राजधानी में गुस्से पर जोर नहीं। कत्ल की रोज नई वजह आती है सामने। पॉलिथीन के लिए शख्स की हत्या। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दिया गया है, लेकिन अब प्लास्टिक न देने पर कत्ल की सनसनीखेज खबर दिल्ली से आई है। यहाँ पर बेकरी में काम करने वाले एक शख्स की सिर्फ इस वजह से हत्या कर दी गई क्योंकि उसने पॉलिथीन में सामान नहीं दिया था। 45 साल का खलील अहमद एक बेकरी की दुकान में काम करता था। खलील अहमद के रिश्तेदारों का कहना है कि उसका फैजान नाम के शख्स से दुकान पर झगड़ा हुआ। फैजान ने ईंट से खलील अहमद के सर पर जोरदार हमला किया। अचानक हुए हमले से खलील अहमद को संभलने का मौका भी नहीं मिला, वो वहीं पर गिर गया। दुकानदारी कर रहा था, हम दुकान चला रहे थे पापे की, तो बेकरी पे ग्राहक आया पापे लेने, तो उसने पापे हमने उसे दे दिए 20 रुपये। उसने पापे मांगे, हमने उसे पापे दे दिए, तो उसने ये कहा पन्नी मुझे दो। मैंने कि पन्नी तो भाई है नहीं मेरे पास, पन्नी इसलिए नहीं आ रही है मेरे पास, है मिल नहीं रही है, बैन लगा हुआ है। तो उसने फिर ये कहा कि पन्नी तो तुम्हें देनी पड़ेगी, गाली गलौज करने लगा। इतने में उसने गाली गलौज करते करते गंदी गालियाँ दी और फिर वो मारने के लिए तैयार हो गया। उसने मारना शुरू कर दिया, उसने पहले थप्पड़ से वार किया, फिर धीरे धीरे उसने होते होते उसने पत्थर उठा लिया। जब तक पत्थर उसने फेंक के मार दिया तो हमारे भाई के खलील के सर में पत्थर लगा और वो एकदम बेहोश हो गए। आनन फानन में वहाँ मौजूद लोग खलील अहमद को दिल्ली के GTB अस्पताल ले गए, लेकिन वहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर मौके का फायदा उठाकर फैजान वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया है और घटना की जाँच शुरू कर दी है। ये मामला 15 अक्टूबर का है। इसमें 9 बजे के आसपास हमें एक PCR कॉल मिली थी। खलील नाम का एक व्यक्ति है जो कि बेकरी की शॉप में काम करता था। सुबह 9 बजे फैजान बेकरी की शॉप में कुछ सामान लेने आया। किसी बात को लेकर दोनों के बीच में कहासुनी हुई और फैजान ने एक ईंट का पत्थर उठा के उसको सिर पे मार दिया, जिससे खलील अनकॉन्शियस हो गया। उसी दिन हम लोगों ने 308 में केस रजिस्टर कर लिया था। कल खलील की डेथ हो गई। उसकी डेथ हो जाने के बाद इसमें 304 IPC हमने ऐड कर लिए और फैजान के लिए हम पकड़ने के लिए हमारी कोशिश जारी है। बता दें कि दिल्ली के किराना दुकानों, सब्जी बाजारों में इस वक्त प्लास्टिक नहीं मिल रहा है। PM नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर लोगों से सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने की अपील की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।